नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं आज आपका सप्तर्षि संकुल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की हमारे हिंदी की क्लास में हम कक्षा 7 में असाइनमेंट लिखेंगे, तो आप अपने नोटबुक और रबर पेंसिल साथ में रखें और जो प्रश्न मैं यहाँ लिखाऊंगी वह आप अपने नोटबुक में लिखें। तो आप असाइनमेंट में लिखिए, गद्य 2 हम भी बने महान, उनका पहला प्रश्न। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। उनका पहला प्रश्न है, नरेंद्र ने शिवलिंग कितने रुपये में खरीदा? ए 2 रुपये में, बी 2.5 रुपये में, सी 3 रुपये में, या डी 3.5 रुपये में? तो उनका उत्तर आएगा ए 2 रुपये में। दूसरा प्रश्न है, न्यू इंग्लिश हाई स्कूल कहाँ है? ए बड़ौदा में, बी मुंबई में, सी पूना में, या डी सतारा में? तो उनका उत्तर आएगा सी पूना में। अब तीसरा विकल्प जो है वह लिखिए, जिसके आने की कोई निश्चित तिथि नहीं होती उसे खाली जगह कहते हैं। ए विदिति, बी प्रतिथि, सी सुतिथि, डी अतिथि? तो उनका उत्तर आएगा डी अतिथि। तीसरा चौथा विकल्प, सचिन तेंदुलकर के पिता का नाम क्या था? तो ए सुरेश, बी रमेश, सी गणेश, या डी महेश? तो उनका उत्तर लिखिए बी रमेश। अब पांचवा विकल्प है, हजरत अली को क्या कहलाना पसंद न था? ए कामचोर, बी हरामखोर, सी नमक हराम, डी हरामखोर? तो उनका उत्तर आएगा डी हरामखोर। अब उनका विभाग बी देखेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो लिखिए पहले खाली जगह, जब उसके पास एक खाली जगह बची थी, तो उनका उत्तर आएगा, पहली जो खाली जगह है उनका उत्तर आएगा 54 बची थी। दूसरी खाली जगह है, समारोह के मुख्य खाली जगह थे मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रांडे। तो दूसरी खाली जगह में उस
उसका उत्तर आएगा अति थी। तीसरी खाली जगह, सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ खाली जगह के लिए तैयार थी, तो उनका उत्तर लिखिए अल्पाहार। अल्पाहार के लिए तैयार थी। चौथी खाली जगह, कई खाली जगह उसके कदम चूमने लगे, तो उनका उत्तर लिखिए विश्व रिकॉर्ड उनके कदम चूमने लगे। अब पांचवी खाली जगह है, हजरत अली के राज के खाली जगह की जांच करने गए, तो उनका उत्तर लिखिए खजाने की जांच करने गए। खजाने की जांच करने गए। छठी जो खाली जगह है वह लिखे किसी के धन माल की खाली जगह मत करो, तो उनका उत्तर आएगा लालसा। किसी के धन माल की लालसा मत करो, तो ये सारे खाली जगह के उत्तर है, वह आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए। अब हम जो उनका क विभाग है वह देखेंगे। सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। तो पहला वाक्य है, छोटा बच्चा सामने से आ रही मोटर से खाली जगह। ए, बहुत दूर था। बी, कूदने वाला था। सी, बिल्कुल बेखबर था। तो उनका उत्तर आएगा सी, बिल्कुल बेखबर था। अब दूसरा जो वाक्य है वह देखेंगे, वस्तु से व्यक्ति का। ए, अधर्म अधिक महत्वपूर्ण है। बी, जीवन अधिक महत्वपूर्ण है। सी, लगाव अधिक महत्वपूर्ण है। तो उनका उत्तर आएगा बी, जीवन अधिक महत्वपूर्ण है। अब हम उसका ड विभाग देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो उनका पहला प्रश्न है, शिवलिंग खरीदने के बाद नरेंद्र के पास कितने पैसे बचे थे? तो उनका उत्तर लिखिए, शिवलिंग खरीदने के बाद नरेंद्र के पास 1/54 बची हुई थी। दूसरा प्रश्न है, नरेंद्र ने बालक की जान क्यों बचाई? उनका उत्तर लिखिए, नरेंद्र ने बालक की जान बचाई क्योंकि उसकी दृष्टि में यह उसका प्रथम कर्तव्य था। अब तीसरा प्रश्न है, वह देखे, स्वयंसेवक आगे चल के किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो उनका उत्तर लिखिए, स्वयंसेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ। चौथा प्रश्न है, सचिन तेंदुलकर किस टीम का कप्तान था? तो उनका उत्तर लिखिए, सचिन तेंदुलकर भारत की अंडर-14 क्रिकेट टीम का कप्तान था।
पांचवा प्रश्न है, हजरत अली ने कौन सी मोमबत्ती बुझाकर कौन सी मोमबत्ती जलाई? उनका उत्तर लिखिए, हजरत अली ने राज्य की मोमबत्ती बुझाकर अपनी मोमबत्ती जलाई। आगे जो छठा प्रश्न है वह देखेंगे, हजरत अली कैसे शासक थे? तो उनका उत्तर लिखिए, हजरत अली एक बहुत ही प्रामाणिक शासक थे। सातवां जो प्रश्न है वह देखिए, लड़के ने रोने का क्या कारण बताया? उनका उत्तर लिखिए, लड़के ने रोने का यह कारण बताया कि उसके पास एक चवन्नी थी जो कहीं गिर गई है और वह नहीं मिली तो माँ उसे पिटेगी। अब आठवां जो प्रश्न है, सातवां जो प्रश्न है वह देखेंगे आठवां, नरेंद्र बड़ा होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो उनका उत्तर लिखिए, नरेंद्र बड़ा होकर स्वामी विवेकानंद नाम से प्रसिद्ध हुआ। नौवां प्रश्न है, इस प्रसंग में नरेंद्र में कौन कौन से गुण नजर आते हैं? तो लिखिए, इस प्रसंग में नरेंद्र के यह गुण नजर आते हैं कि वह दूसरों के प्रति अपनी भावना, दूसरों की सहायता करना अपना कर्तव्य समझता है। आगे प्रश्न, द्वार पर रांधे को देखकर स्वागत समिति के सदस्यों ने क्या किया? उनका उत्तर लिखिए, द्वार पर रांधे को देखकर स्वागत समिति के सदस्यों ने उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयत्न किया। ग्यारहवां जो प्रश्न है वह देखे, अल्पाहार के समय कौन नहीं दिखाई दे रहा था? उनका उत्तर लिखिए, अल्पाहार के समय टीम का कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था। आगे बारहवां प्रश्न, सफलता के क्या क्या आधार है? तो लिखिए, सफलता के लिए अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम और लगन ही सफलता के आधार है। तेरहवां प्रश्न है, हमारे पुरखों ने क्या कहा है? उनका उत्तर लिखिए, हमारे पुरखों ने यह कहा है कि किसी के धन माल की लालसा नहीं करनी चाहिए। अब हम प्रश्न दो, जिनका अविभाग है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, वह देखेंगे। तो उनमें पहला प्रश्न है, स्वयं सेवक ने रांधे जी से क्या कहा? तो समारोह के जो स्वयं सेवक थे उनका उत्तर लिखे, समारोह के स्वयं सेवक थे वह निमंत्रण के बिना किसी को समारोह में अंदर प्रवेश नहीं करने देने का उनको आदेश मिला था और रांधे जी उस समारोह के मुख्य अतिथि थे और रांधे जी के पास निमंत्रण पत्र नहीं था। भले ही वह सम्माननीय व्यक्ति थे लेकिन उसके पास निमंत्रण पत्र नहीं था, इसलिए स्वयं सेवक ने उसे वहाँ द्वार पर रोक दिया और
और उसे अंदर नहीं जाने दिया। दूसरा प्रश्न, सचिन तेंदुलकर ने अपनी सफलता का क्या रहस्य बताया है? उनका उत्तर लिखिए, सचिन तेंदुलकर ने अपनी सफलता का यह रहस्य बताया है कि वह हर मैच 3 बार खेलते हैं, एक अभ्यास के रूप में, दूसरा जब वह मैदान में खेलते हैं वह, और तीसरा जब वह खेली हुई मैच का मूल्यांकन कर उनमें जो बदलाव होते हैं वह लाकर 3 बार उनका अभ्यास करते हैं। इस तरह वह सफल हुए हैं। तीसरा प्रश्न है, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट जगत में क्यों मशहूर है? तो उनका उत्तर लिखिए, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट जगत के जाने माने खिलाड़ी है। वह अच्छे बल्लेबाज है और एक अच्छे गेंदबाज भी है। उन्होंने कई क्रिकेट में शताब्दियां बनाई है और उनका स्वभाव सरल है, उनको कोई अभिमान नहीं है। इस तरह वह क्रिकेट जगत में मशहूर हुए हैं। तो आगे के जो प्रश्न है वह हम दूसरे लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अस्तु।